आप जानते हैं जब हम अलग हुए तब फोन आया हमसे बात करने का। हमने कहा कि ना हम बात नहीं करेंगे, हमको तो मालूम है कि आप कहाँ हैं। ये मुस्लिम समुदाय में भी इधर से उधर करने का धंधा वो कर रहा है। एक वो पार्टी है और उस पटिया में तो 5 गो जीता था, 4 गो तो आ गया, संसद में लौट करके आ गया आपके यहां। लेकिन आप समझ लीजिए ये लोग क्या करते हैं। इसे कहते हैं कि तुम बोलो और आप सनात, लेकिन पूरे तौर पर वो साथ है ताकि मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। कोई चीज हम लोगों ने छोड़ा है, और जो शुरू में ही हमने कह दिया कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये बोलते रहेंगे। आप कौन कौन पटिया से कुछ लोगों को ये हटाते हैं ले जाते हैं, तो जरा जब पार्टी से ही इनकी पटिया खत्म होगी, अगर आप लोग बात सब पटिया मान लेगा, आज चुनाव होगा 24 में और उस चुनौवा के बाद पता चल जाएगा कि अलग अलग पार्टी से किस आधार पर लोगों को अपनी तरफ ले जाता है, क्या देता है, कितना देता है और किसको कहां से लेता है। ये सब बात एक एक बात पता चलेगा बाद में। अभी हमको कुछ नहीं कहना है, अभी हमको क्या जरूरत है कहने का। अपना इन लोगों को तो जो भी बोलते रहना है हम लोगों के खिलाफ बोलते रहिए, लेकिन हम लोग तो सेवा कर रहे हैं। आप बताइए समाज में किसी को आपस में झगड़ा नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव हो, इसी के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। और एक बात हम सबको कहेंगे कि आप जान लीजिए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के सभी धर्मों के लोग हैं, सब एकजुट रहेंगे। लेकिन आप जान लीजिए मुस्लिम समुदाय में भी इधर से उधर करने का धंधा वो कर रहा है। एक वो पार्टी है और उस पटिया में तो 5 गो जीता था, 4 गो तो आ गया, संसद में लौट करके आ गया आपके यहां। लेकिन आप समझ लीजिए ये लोग क्या करते हैं। इसे कहते हैं कि तुम बोलो और आप सनात, लेकिन पूरे तौर पर वो साथ है ताकि मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा और एकजुट होकर के रहिएगा, क्योंकि अलग कर देगा और अलग करने के बाद सारे के सारे देश में फिर से लोगों के बीच में विवाद पैदा करेगा। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो किस किस को कैसे कैसे लोग करता है और वो अपने को दावा करता है। आप जानते हैं जब हम अलग हुए तब फोन आया हमसे बात करने का। हमने कहा कि ना हम बात नहीं करेंगे, हमको तो मालूम है कि आप कहां हैं। तो इसीलिए जरा एक एक बात आप लोग भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं याद रखिएगा। और बाकी सब लोगों को यही कहेंगे कि सब एकजुट रहिएगा, और हम लोग तो पूरे सब के हित में काम करते हैं, कौन सा विकास का काम नहीं कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग एक चीज को छोड़ेंगे नहीं। आप जान लीजिए 4 जिला को एक हंगामा था कि सबको अलग करने के चक्कर में था कि अलग कर देंगे, ये राज्य नहीं रहेगा। तो ये सब तो आप सोच लीजिए, तो कौन कौन चीज हुआ। हम लोग तो इसके लिए पूरा भिड़े हुए हैं और आपके यहां